डेलिकेंट है, उनके मेंटल हेल्थ की अगर हम बात कर रहे हैं, इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो इश्यूज तो कई तरह के हो सकते हैं। तो कुछ बच्चों में जो इश्यूज होते हैं वो कैसे, मतलब ये कैसे आइडेंटिफाई कर, जो कुछ लोग ना सेल्फ हार्म कर लेते हैं, कुछ कट कर लिया, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे लेकिन सेल्फ हार्म कर रहे हैं, तो उनके मेंटल हेल्थ, किस टाइप के मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, उन्हें ऐसा क्यों करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे बच्चे हमारे वहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में बहुत सारे आते हैं, जी जो होम में प्लेस कर दिया जाता है, वहाँ वो सेल्फ हार्म करने की कोशिश करते हैं, यही ना किया है, उनमें एंगर बहुत ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो फिर उसको जानने के लिए भी ये बच्चे का ऐसा क्यों है, उसके हम एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कॉल करते हैं, जिसमें उसके फैमिली का पूरा बैकग्राउंड, उसका घर का एनवायरनमेंट, घर में कौन कौन है, क्या काम करते हैं, कंप्लीट वो केस सब जानने की, जी जी जानने की कोशिश करते हैं। फिर उसको उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसे बच्चा काउंसलिंग से उस पर ज्यादा असर नहीं होता है, उसको फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या साइकिस्ट है दवा दिलवाई जाती है, फिर उसका एक प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट किया जाता मतलब ऐसे जो सेल्फ हार्म कर रहे हैं उनमें सिवियर प्रॉब्लम होती है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो है। सीवियर मेंटल लेवल पे होती है। हेल्थ प्रॉब्लम है, जी सीवियर केसेस हैं। ओके जी। हाँ, वो सिर्फ काउंसलिंग से नहीं काम कर पाते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है।